नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरण का अनुराग जितना हनुमान जी के अंदर है इतना किसी दूसरे के अंदर नहीं, और जितना हनुमान जी के अंदर राम जी के प्रति प्रेम है इतना किसके पास है। धन है हनुमान जी, कितना प्रेम, इतना प्रेम के अपने आप से भी ज्यादा। एक बार माता जानकी जी को माथे में सिंदूर लगाते श्री हनुमान जी ने देख लिया, मां ये क्या लगा रही हो। श्री माता जानकी जी ने कहा, लाल ये लाल लाल, हे लाल ये लाल लाल सिंदूर तुम्हारे स्वामी हम अपने प्राणनाथ करुणा निधान प्रभु श्री राम के दीर्घायु के लिए लगा रहे हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां मस्तक पर ये लाल लाल सिंदूर लगा करके अपने स्वामी अपने पति देव की दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। हनुमान जी कितने भोले भाले और कितने राम चरण अनुरागी। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, भोले भाले श्री हनुमान के चुटकी पर सिंदूर लगाने से जब हमारे सरकार की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना हम अपने पूरे तन में सिंदूर लगा लें ताकि हमारे प्रभु सरकार दीर्घायु में हो जाए। धन है हनुमान। और श्री वीर बजरंग बली पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर आ गए और दरबार में खड़े हो गए। राम जी देखकर हंस गए, हे हनुमान जी ये क्या है। हनुमान जी बोले, सिंदूर है, इससे क्या होता है। हनुमान जी बोले, सरकार माँ ने कहा था छोटा सा मस्तक में सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, हमने सोचा इकट्ठी थोक में बढ़ा दी जाए। एक एक दो दो दिन कौन बढ़ावे, एक एक दो दो साल कौन बढ़ावे। हनुमान जी बोले, हमने तो सीधा इकट्ठा शरीर में ही लगा लिया ताकि आप सीधे 100 साल पार करो, 1000 साल पार करो, 1,00,000 साल पार करो। राम जी मुस्कुरा कर बोले, भैया हमने बहुत भक्त देखे पर तुम्हारे जैसा समर्पित भक्त नहीं देखा। मेरे पागलो एक बात और याद रखना, भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक पूछो कौन कौन से, पूछो एक एक भक्त वो होता है जो भगवान को पकड़ता है, दो दूसरे प्रकार का भक्त वो होता है जिन्हें भगवान पकड़ते हैं। एक भक्त जो भगवान को पकड़ता, दूसरे प्रकार का भक्त होता है भगवान जिन्हें पकड़ते, ऐसे समझो। हम एक बार अपने घर में बैठे थे, एक कुत्ता छोटा सा पिल्ला देखा हमने, उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी के बगल में एक बिल्ली थी, बिल्ली ने अभी 9 जन्मत छोटे छोटे बच्चे दिए थे, बच्चे छोटे छोटे थे। हमारे बगल के मकान में बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे और बिल्ली की माँ को हम रोज देखते, लेकिन हम एक बात देखते थे, क्या बिल्ली अपने बच्चों के पास रोज जाती लेकिन बिल्ली के बच्चे माँ को देखकर माँ के पास तो जाते हैं लेकिन माँ के सहारे हो जाते हैं। माँ का काम है बिल्ली के बच्चों को चिपकाना और चिपकाकर पकड़े रहना, वो पकड़ नहीं छोड़ती थी, माँ की आदत। हमने एक और देखा, बंदरिया, बंदर की बंदरिया, बंदरिया के जब बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी एक आदत होती है, क्या माँ जब बच्चों के पास जाती है तो बंदरिया के बच्चे माँ से चिपक जाते हैं, माँ उछल कूद करती है लेकिन बच्चे मजबूती से पकड़े रहते हैं। इन दोनों का हमने मन में आकलन किया, बंदरिया के बच्चे पकड़ छोड़ते नहीं हैं और बिल्ली के बच्चे पकड़ते नहीं हैं लेकिन माँ भी पकड़ छोड़ती नहीं है। ये दो प्रकार के भक्त होते हैं। बिल्ली के बच्चे वाले जो भक्त होते हैं उन्हें परमात्मा पकड़ता है, लेकिन बंदरिया के बच्चों जैसे जो भक्त होते हैं भक्त को परमात्मा को पकड़ना पड़ता है। तो दो प्रकार के भक्त पाए जाते, एक हम भगवान को पकड़ें, दूसरा भगवान हमें पकड़ें। अब निर्णय ये कैसे हो कि भगवान हमें पकड़े हैं कि हम भगवान को पकड़े, ये कैसे निर्णय किया जाए। तो सुनो, तुम भगवान को याद करो ये सौभाग्य है, लेकिन भगवान तुम्हें याद करें ये परम सौभाग्य है। आज तक कोई ऐसा हुआ जिन्हें भगवान याद करते हैं। बोले हाँ, बोले कौन, हनुमान सम नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी।
हनुमान जी ऐसे भय, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, एक प्रमाण मिला। एक बार नारद जी हनुमान जी के पास आ गए अयोध्या में। अयोध्या में हनुमान जी बैठे दरवाजे पर, कहाँ? कनक भवने दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जू बिराजे पड़े रहो। कनक भवन की सुंदर शोभा, कनक भवन की भैया सुंदर शोभा, देख रूप ये मन मेरा मोहा, देख रूप ये मन मेरा मोहा, जहाँ श्री राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अयोध्या में श्री वीर हनुमान जी महाराज कनक भवन के बाहर बैठे, उसी समय नारद जी आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, हनुमान जी, जी बताओ, एक बात बताओ, तुम ज्यादा भक्त हो या हम? हनुमान जी बोले, अब हम क्या बता दें, हम तो जो हैं सो हैं। एक काम करो, आपको ज्यादा ही पूछने का शौक है, भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु के पास एक डायरी है, उसमें भक्तों के नंबर सहित नाम लिखे हैं, जो जितना करीब का भक्त है उसका उतने ही नंबर पर नाम लिखा हुआ है, चेक करे आओ, हम ज्यादा भक्त हैं या तुम? नारद जी बोले, ये तो बढ़िया बात। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, जैसे ही गए जाकर के प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने कहा, कहो नारद जी कैसे आना हुआ? विष्णु जी बोले, महाराज हमने सुना आपके पास भक्तों का कोई रजिस्टर है, रजिस्टर? विष्णु भगवान बोले, है तो। नारद जी बोले, बुरा ना मानो तो हमें दिखाओ। विष्णु भगवान बोले, लो देख लो। रजिस्टर उठाया, नारद जी को दिया, और जैसे ही पेज पलटा तो पहला नाम नारद जी का निकला। नारद जी बोले, आहा, मन में लड्डू फूटा। लेकिन मन में सोचने लगे, हम तो भैया पहले नंबर पर हनुमान जी कहां घुसे? पूरा रजिस्टर देख मारा, हनुमान जी का नाम ही गायब। नीचे भागते भागते आए, भगवान अब रख लो, काम हो गया हमारा। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, नहीं नहीं काम हो गया, काम हो, रख लो रख लो रख लो, अंदर रख लो अंदर, और सुनो कोई मिटा ना दे, सुरक्षा करियो। पहले नंबर पर नाम मिलते ही गुमान में फूल गए नारद जी। वापस अयोध्या में आए हनुमान जी तो कनक भवन दरवाजे, कनक भवन के बाहर श्री सीताराम 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 सीताराम। नारद जी आए, हनुमान जी जय हो। हनुमान जी बोले, जय तो ठीक है, गए हो ऊपर विष्णु भगवान के पास? हाँ हाँ गए हैं गए हैं, क्या निकला? नारद जी बोले, बुरा ना मानो तो सही बताएं। हाँ हाँ बताओ। हमारा नाम तो पहले नंबर पे, तुम ब्लैक लिस्ट में हो, तुम्हारा नाम ही नहीं है। हम कहीं रजिस्टर में एक कोने में भी नाम नहीं लिखा, हमने पूरे पेज देख मारे, सब मिले, हम पहले नंबर पर, उसमें हमको बहलाज जी मिले, उसमें हमको ध्रुव जी मिले, मीराबाई मिली, सबके नाम मिले, तुम्हारा नाम नहीं है। हनुमान जी बोले, मान लिया। हनुमान जी बोले, नारद जी एक और बात बताएं। हाँ, आपने एक छोटी डायरी देखी? भगवान के पास एक रजिस्टर है, एक मिनी डायरी भी है, वो चेक की? नारद जी बोले, नहीं हमने तो केवल रजिस्टर भर चेक किया। जाओ वो मिनी डायरी चेक करो। अब नारद जी का दिमाग खराब, ये मिनी डायरी क्या है? नारद जी ऊपर आए, भगवान विष्णु को फिर से प्रणाम किया, सरकार हमने सुना आपके पास रजिस्टर भी है और कोई मिनी डायरी भी है। भगवान बोले, जेब में है। भगवान ने जेब से निकाली, लो पढ़ो। जैसे ही नारद जी ने ली और जैसे ही पेज पलटाया, पहला नाम हनुमान जी का। नारद जी बोले, हमें मामला समझ में नहीं आया। भगवान बोले, क्या हुआ? नारद जी बोले, उस वाले रजिस्टर में पहला हमारा नाम, मिनी वाली डायरी में पहले हनुमान जी का नाम, हमें मामला समझ में नहीं आया। भगवान ने बहुत प्यारा जवाब दिया जो तुम्हारे काम का है। पता है भगवान क्या बोले? बोले, नारद जी जो हमारा भजन करते उनका नाम रजिस्टर में है, हम जिनका भजन करते उनका नाम मिनी डायरी में है, उनका नाम हनुमान है। इसीलिए हमने रामचरितमानस की चौपाई ली, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण।